कभी आपने ऐसा वीडियो शूट किया है जिसके पीछे काफ़ी अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइजेज, आपको ऐसी चाहत होगी कि किसी तरह से इस वीडियो में से ये अनवांटेड जो शोर है बैकग्राउंड में ये रिमूव हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर हो सकता है। हम इसको करेंगे, जो एप्लीकेशन है उसको क्लिप चैम वीडियो एडिटर, आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से? आपको ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ रिमूविंग साउंड, अनवांटेड साउंड फ्रॉम वीडियो एंड पुटिंग द डिजायर्ड साउंड। तो उसके लिए मैं एक सैम्पल ऑडियो और एक सैम्पल वीडियो लूँगा। ऐसा करने के लिए वो दोनों फाइल को मुझे इस योर मीडिया सेक्शन में लाना पड़ेगा। योर मीडिया सेक्शन में लाने के लिए ये ऊपर जो ये ऐड का आइकन है इसको मैं प्रेस करता हूँ, उसके बाद ब्राउज क्लिक करता हूँ और मुझे मालूम है ये मेरा जो वीडियो है ये डेस्कटॉप के एक कोने में पड़ा है और उसका नाम है निडिल रॉक व्यू पॉइंट। अब सिमिलरली मुझे ऑडियो फाइल भी लाना होगा, तो मैं अगेन प्लस क्लिक करता हूँ, ब्राउज करता हूँ और वो ऑडियो फाइल मेरे ये बैकग्राउंड ऑडियो का एक फोल्डर है उसके अंदर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सवाना सनशाइन करके एक ये सॉन्ग है, ये इस वीडियो को सूट करेगा और मैं इसको भी अपने फाइल में योर मीडिया सेक्शन में लेके आता हूँ। अब आप देखेंगे कि योर मीडिया सेक्शन में मेरे ये दोनों फाइल आ चुके हैं। वीडियो को इधर ले जाता हूँ, तब तक ऑडियो अपलोड होने दीजिए, समय को बचत करते हैं। ये वीडियो फाइल आ गया है। इस वीडियो फाइल में जो विंड चलती है हिली स्टेशन पे काफ़ी, तो उनकी आवाज़ है, ज़रा आप सुन लीजिए एक बार। तो ये है इसमें अनवांटेड विंड नॉइज जिसको मुझे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे एक ऑडियो सेक्शन है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेपरेट ऑडियो का एक टैब है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। एप्लीकेशन इस वीडियो को में से ऑडियो को देखिए सेपरेट करके, नीचे जो टाइम बार है वहाँ पे वीडियो, उसके नीचे उसका ऑडियो सेपरेट आउट उसने कर दिया। अब मुझे ये ऑडियो चूंकि नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे कीबोर्ड में जो डिलीट का टैब है उसको दबाता हूँ, तो ये ऑडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब ये ऑडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, देखिए आप कहाँ गया, इस किस फोल्डर में गया है। ये आपका सीधा चला जाता है सी में, डाउनलोड के फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। आपको अगर फ्यूचर में चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो करना आपके ऊपर है। अनवांटेड नॉइस रिमूव हो चुकी है, लेट अस चेक इट हुई है कि नहीं हुई है। मैं चला के दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी हमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई कुड नॉट फाइंड एनी अनवांटेड नॉइस दैट वाज अर्लियर। बिल्कुल अभी क्लीन वीडियो हो चुका है विदाउट नॉइस। नाउ इसमें मुझे अपना डिजायर्ड नॉइस तो नहीं बोलूँगा, डिजायर्ड म्यूजिक ये जो है मैं लाया हूँ, जो इस वीडियो से मूड से मैच करता मुझे लगता है, उसको मैं यहाँ लेके अपलोड करूँगा। उसके लिए मैं इसको ड्रैग करके इस वीडियो फाइल के ऊपर प्लेस कर दूँगा और टाइमलाइन में ये आ गया है ऑडियो। बट ऑडियो और वीडियो आर नॉट अलाइंड, इनमें जानी दुश्मन जैसे अलग अलग खड़े हैं, तो मैं ऑडियो को इस वीडियो के साथ अलाइन कर देता हूँ, मतलब जिधर से मेरा वीडियो शुरू हुआ ऑडियो भी वहीं से आ जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा हो चुका है। और ये जो एक बार है ये इसके लिए है कि आपको कौन सा सेक्शन कहाँ तक रखना है या कट करना है। तो चूंकि मुझे वीडियो जितना लेंथ का है उतनी लेंथ का ऑडियो रखना है, तो मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में रख के और ये कट का बटन दबा देता हूँ। जब मैं कट का ये बटन किया तो ये दो में स्प्लिट हो गया, एक है वीडियो लेंथ के इक्वल ऑडियो
और दूसरा एक्स्ट्रा ऑडियो जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर पहले की तरह मैं यहाँ क्लिक करूँगा और कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, तो वो अनवांटेड ऑडियो भी मेरा रिमूव हो गया। अब मेरा ये पूरा पार्ट हो गया, मतलब वीडियो में से अनवांटेड साउंड रिमूव हो गया और डिजायर्ड म्यूजिक इसमें इंसर्ट हो गया। चलिए चेक करते हैं। इस प्रकार हम वीडियो में से अनवांटेड साउंड निकाल के डिजायर्ड ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 90% काम हुआ। इस फाइल को अभी आपको एक्सपोर्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके अपनी डिजायर्ड वीडियो क्वालिटी में आप अपलोड कर लीजिए। मेरे हिसाब से 1080 हाई डेफिनेशन में आप क्लिक करके, जो क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वीडियो फाइल, पहले जैसे बताया था, सी ड्राइव में डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगा। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस, हाउ टू रिमूव अनवांटेड साउंड फ्रॉम वीडियो बाय यूजिंग द क्लिप चैम वीडियो एडिटर। एंड अगेन अनदर सेकेंड पार्ट वी लर्नड दैट हाउ टू पुट द डिजायर्ड म्यूजिक आफ्टर दैट इन दैट वीडियो अगेन थ्रू दैट क्लिप चैम वीडियो एडिटर मेक टाइम। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहन के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस कमेंट जरूर करिए कि मुझे क्या और सुधार करना चाहिए और आप किस कंटेंट में और ऐसे वीडियोस चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त विदा लेता है। गुड लक।